छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव बेमेतरा जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बेमेतरा रेस्ट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उपमुख्यमंत्री के साथ बेमेतरा विधायक समेत अन्य विधायक मौजूद रहे। उपमुख्यमंत्री अरुण साव बेमेतरा के एकेडमिक वर्ल्ड स्कूल में वार्षिक उत्सव में शामिल हुए, जहां स्कूल के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का को सम्मानित किया गया है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि घोषणा पत्र मोदी की गारंटी है, जिसको लेकर हमारी सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने और उस पर काम कर रही है। कैबिनेट के पहली बैठक में 12 लाख आवास को मंजूरी दी गई है। प्रदेश के किसानों के खातों में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 2 साल के बोनस के रूप में डाली गई। वर्ल्ड स्कूल के 13वें एनुअल डे सेलिब्रेशन में शामिल होने आया हूं। विद्यालय की गतिविधियों को मैंने देखा। विद्यालय जिस प्रकार से विद्यार्थियों को शिक्षा दे रही है वो निश्चित रूप से अद्भुत है। बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा यहाँ मिल रही है, खेल की, सांस्कृतिक गतिविधियों की, कला की, हर प्रकार का प्रशिक्षण यहाँ बच्चों को मिल रहा है। निश्चित रूप से बच्चों की प्रतिभाएं उभर कर आएगी और एक संपूर्ण विद्यार्थी हर क्षेत्र में पारंगत, जिसके जिस क्षेत्र में रुचि है, पढ़ाई के साथ साथ उन गतिविधियों में भी बच्चे पारंगत हो रहे हैं।